नमस्कार दोस्तों, मैं आप उत्तम सर आप लोगों को अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है, उससे ही वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको आज पार्ट वन के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए, साइटोलॉजी जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका विज्ञान, ठीक है। साइटो का मतलब होता है, साइटो को ग्रीक वर्ड में कहा जाता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब यही है, कोशिका का जो अध्ययन करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे वन डे एग्ज़ाम के लिए। चलिए, इसी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। तो साइटोलॉजी के फादर कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने ही कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। तो इससे पहला क्वेश्चन हो गया कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। तीसरा जो प्रश्न है, प्रश्न जो होते हैं इस चैप्टर से, वो है साइटोलॉजी शब्द को आखिरकार किसने दिया। तो साइटोलॉजी शब्द को एक साइंटिस्ट, ठीक है, हार्टिंग्स ने दिया था, हार्टिंग्स, ठीक है। आपको फिर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साइटोजेनेटिक के पिता किसको कहा जाता है। तो साइटोजेनेटिक के पिता कहा जाता है SJ मूलर को, ठीक है, SJ मूलर को कहा जाता है। तो इससे चार क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी शब्द को किसने दिया था, हार्टिंग्स ने दिया था, साइटोजेनेटिक के पिता किसको कहा जाता है, SJ मूलर को। फिर अगर आपको पूछा जाए कि साइटोलॉजी के जो मॉडर्न फादर है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो उसको क्या बोलना है, आपको स्वानसन बोलना है, ठीक है ना, स्वानसन, जिन्होंने ही क्या, ठीक है, इसके बारे में मॉडर्न में बताए थे। अगर आपको, ठीक है, और स्वानसन के जो एक बुक है उस बुक का नाम है द सेल, इसी के माध्यम से उन्होंने सेल के बारे में बताए, साइटोलॉजी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपको उस समय AK शर्मा आपको लिखना है, ठीक है, उस समय आपको क्या लिखना है, AK शर्मा। चलिए, ये हो गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको जानना, चूँकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है तो आपको ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। चलिए, छोटे से कोशिका के बारे में हम आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि कोशिका किसको कहा जाता है। यह सजीव को क्या होती है, यह सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई की होती है, ठीक है, सजीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई, यह शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इस शब्द को सेल, जो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन ऐसा माना गया है कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं किया था, ठीक है, इसके द्वारा जो खोजा गया कोशिका थी वह एक डेड सेल थी, ठीक है। जो लिविंग सेल का जो डिस्कवर किया गया था, जो खोज हुआ था, एक साइंटिस्ट, ठीक है, उसका नाम था लिवेनहॉक, उन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल का खोज किया था।
चलिए आपको बता देता हूँ, कोशिक सेल, तो बहुत सारी जब सेल को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको उससे क्या होता है, टिशू का निर्माण होता है। उससे क्या होता है, टिशू का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे टिशू को मिला देंगे तब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेंस बनेगा, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गेंस को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। यहाँ जो जायगोट हम लिख दिए हैं, जो जायगोट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा जायगोट क्या है। चलिए अगला, जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, फाइनली हमारे जो बॉडी का निर्माण होता है। चलिए इसके डिस्कवर की कुछ कहानी आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सन 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क जो एक पेड़ होता है उसके छाल को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि मधुमक्खी के उसके अंदर क्या संरचना कैसा देखा, कि समान उसका जो संरचना था वो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। इस छोटे में उन्होंने क्या किया, ठीक है, छोटे छोटे जो छत्ते था उन्होंने उसको अनेक रूम्स, ठीक है, कमरा के रूप में उसे दिखाई दिया। इसी को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। और इसी, ठीक है, इसी से मतलब इसी को उन्होंने सेला कहा, और इसी सेला सब से क्या हुआ, सेल की उत्पत्ति हुई, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 ईस्वी में अपनी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी मतलब पता है सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, और स्कोप मतलब होता है बड़ा करके देखना, ऐसा डिवाइस जिससे छोटा चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। तो उन्होंने क्या किया, अपना सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि वो जो उसका इंटरनल जो पोर्शन था वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था। और उन्होंने क्या किया, प्रत्येक मतलब वो जो छत्ता दिख रहा था एक सेपरेटेड रूम जैसा दिख रहा था, अलग अलग कक्ष के जैसा दिख रहा था, उन्होंने प्रत्येक रूम को ही क्या नाम दिया, सेला। और इसी सेला सबसे क्या हुआ, सेल का उत्पत्ति हुआ। ये हो गया इसकी कहानी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बड़े तरीके से हम लिख दिए हैं, सन 1665 ईस्वी में कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। जैसे कि देखिए, जो प्रत्येक जो सेल के अंदर जो देखा गया, ये सब क्या उन्होंने क्या नाम दिया, इस सब को उन्होंने रूम कहा, ठीक है। इसी रूम को उन्होंने एक लैटिन शब्द में क्या कहा, सेला कहा। और इसी को सेला को आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल के रूप में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका, ठीक है। और आपको हम पहले ही बता दिए कि चूँकि रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज किया था, एक डेड सेल था मतलब मृत कोशिका था, ठीक है, एक मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने अपनी ही पुस्तक माइक्रोग्राफिया के में। उन्होंने क्या किया, इसके बारे में चित्र, ठीक है, कॉर्क कोशिका के चित्र के बारे में वर्णन किया। चूँकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, लेकिन यह जो कोशिका थी वो की थी मृत कोशिका थी, मतलब डेड सेल थी। अतः 1676 ईस्वी में एंटीवन लीवनहॉक ने, ठीक है, बारिश में नहाते समय मिट्टी लग गई थी उसके हाथों, उसके नाखूनों में, तो उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे क्या होते थे, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट घूम रहे थे, जिनको उन्होंने सूक्ष्मजीव कहा, ठीक है, जिसको क्या कहा, बैक्टीरिया। अतः इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका होता है कि बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवाणु, उसकी खोज किसने किया था, ना एंटीवन लीवनहॉक ने, कब किया था, 1676 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ एंटीवन लीवनहॉक ने क्या किया था, 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था, ठीक है। यही सूक्ष्म जीव को देखिए, उन्होंने क्या किया, लिविंग सेल का नाम दिया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज
अतः हम कह सकते हैं कि किन्होंने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। इसके अलावा लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी, इसके बारे में हमको अगला वीडियो में बताऊंगा। और आरबीसी की खोज की थी, प्रोटोजावा की खोज की थी, ठीक है, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका के अलावा स्पर्म, जिसको शुक्राणु कहा जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल और प्रोटोजावा, इन सब की उन्होंने खोज किया था। चलिए, लीवेनहॉक द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो क्या है, सीक्रेट ऑफ नेचर। तो आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि सीक्रेट ऑफ नेचर किन वैज्ञानिक द्वारा लिखे गए पुस्तक है, तो उस समय आपको लीवेनहॉक लिखना है। सेल थ्योरी जिसको कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, 1839 में स्वीडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्वीडन ने क्या किया था, वनस्पति शास्त्र की खोज की थी और स्वान ने जंतु शास्त्र की खोज की थी। मतलब इन्होंने क्या किया था, पादप से रिलेटेड कोशिका के बारे में बताया था, इन्होंने क्या किया था, एनिमल से रिलेटेड जितने सारे कोशिका के बारे में उन्होंने क्या किया था, अपनी बताया था, ठीक है। स्वीडन ने कहा कि पौधे में कोशिका भित्ति होती है और स्वान ने कहा नहीं होती है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक स्मार्ट स्टडी इससे अगर आपको लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, प्रमोट करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें।